हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। एज़ यूज़ुअल मेरा नाम रॉबिन है और मैं नोएडा सेक्टर 45 में रहता हूँ और ये मेरा सेक्टर 45 में लास्ट वीडियो है, क्योंकि एक्चुअली आज मेरी ट्रेन है शाम को। देखता हूँ कि साफ आ रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे साफ है थोड़ा। आज मेरी सेक्टर 45 में लास्ट दिन है, पूरा दिन भी नहीं है एक्चुअली। मैं सुबह सुबह पार्क आया था, फिर शाम को मेरी ट्रेन है दिल्ली टू IIT धनबाद। तो अब 2 साल धनबाद से ही ब्लॉग आने वाले हैं आपके पास, और अब से थोड़ा स्टैमरिंग की बातें कम होंगी, एक्सरसाइजेस मैं डालूँगा, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। स्टैमरिंग की बातें कम होंगी, मुझे लगता है जितनी हम स्टैमरिंग की कहानियाँ सुनाते हैं, जितनी हम स्टैमरिंग की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हम स्टैमरिंग वर्ड अपने मुंह पर लेते हैं और वो ठीक नहीं लगता जब बार बार जुबान पर आना। तो कॉलेज में ब्लॉग्स बनेंगे और बहुत सारी वीडियोस आएंगी न्यू फ्रेंड्स की, और सबसे अच्छा मुझे प्लस पॉइंट धनबाद जाने में ये लग रहा है कि ये मेरी स्टैमरिंग के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि नए लोग होंगे वहाँ पे, नए फैकल्टीज होंगे, नया हर चीज़ होगा, और नए लोगों से टेक्निक से बात करना ही होगा, क्योंकि अगर हमको स्टैमरिंग ठीक करनी है तो ये एक न्यू फेज़ भी है, क्योंकि मुझे अपनी स्टैमरिंग चेक करने का मौका मिलेगा वहाँ पे, और ये अच्छा भी है। एक्चुअली कल मैंने एक अपने दोस्तों के साथ शाम को वीडियो शूट करी थी, उसमें थोड़ी बहुत स्टैमरिंग की दिक्कत थी, 2-3 जगह मुझे स्टैमरिंग हुई भी थी, थोड़ा कम था लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन स्टैमरिंग का ही था। उसमें दिक्कत ये थी कि मैं सांस लेके नहीं बोल रहा था, कहीं कहीं पर मैंने सांस नहीं ली, और मेरे को अभी 7 दोस्त थे उनके सामने थोड़ा सा हेजिटेशन थोड़ी सी थी, जिससे दिक्कत हुई। मैं इस पे आगे से ध्यान दूंगा कि ये दिक्कत आगे से ना हो, और ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे टेक्निकें फेस करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फेस करेंगे तो अच्छा रहेगा स्टैमरिंग ठीक करने में। कल शाम मैंने उनके कैफ़े में, हम 7-8 दोस्त थे, 1-2 बार स्टैमरिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अपने धनबाद वाले दोस्तों के साथ वीडियो शूट करूँगा तो थोड़ा कम होगा। ऐसे ही करते करते मेरा एम तो है कि IIT में जाके पूरा स्टैमरिंग ठीक करना, क्योंकि वहाँ पर मास्टर्स में प्रेजेंटेशन, वाइवा और भी थोड़ा कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा। और मेरा एम फैकल्टी बनना है अभी फ़िलहाल, कॉलेज में पढ़ाना है, और मैं ये जान पूछ के मेरा एम है कि स्टैमरिंग वाले बच्चे भी पढ़ा सकते हैं, स्टैमरर भी टीचर बन सकते हैं। जो उनका नेगेटिव पॉइंट है कि स्पीच उनकी अच्छी नहीं है, मैं अपनी स्पीच पे ही अपने जॉब करूँगा। तो ये लोगों को भी एक वो रहेगा कि संदेश कि स्टैमरिंग वाले बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और ये बेस्ट भी है। तो सुबह की तरह मैं वही डेली 5:40 के आसपास पार्क में आया था, 1 घंटे के आसपास यहाँ पे एक्सरसाइज करी, उसके बाद अभी हम 7:10 के आसपास जाने वाले हैं घर। बैग पैकिंग सब कर ली हो गया, आपको फर्स्ट ब्लॉग्स में दिखाऊंगा बैग पैकिंग कैसे हुआ है और कैसे कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे वीडियो को ऐड करना नहीं आता, तो सीखना पड़ेगा ये, क्योंकि सोच रहा हूँ कि दिल्ली टू धनबाद का एक ब्लॉग्स ही बना दूँ फर्स्ट,
लेकिन अभी सोचा ही है। मेन एम ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, पिक्चर्स दिखाना थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये सब मैं सिर्फ अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, और जिनको IIT's लाइफ देखनी है तो उनके लिए भी बेस्ट है। तो अच्छा अच्छा लगेगा, न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। लेकिन आप सब मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपने स्टैमरिंग के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि स्टैमरिंग का बिहेवियर सीखने के बाद पता चलता है कि इसको ठीक कैसे करें, और प्लस इसको फेस भी कैसे करें। असली फेस तो मुझे कॉलेज में ही पता चलेगा, उस वक्त मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक दो दोस्त बने भी हैं नए, तो उनके साथ वहाँ पर ही मिलते हैं जाके। छोटे छोटे वीडियोस भी शेयर करूँगा। और हाँ, कल मुझे स्टैमरिंग हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब डीमोटिवेट हो गया कि मुझे स्टैमरिंग हो रही है, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। सोचना, किसी को भी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको स्टैमरिंग हो रही है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको 20 साल, 15 साल, 10 साल से स्टैमरिंग थी या है, उसको सही करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। ये नहीं कि एक महीने में सही हो गया, डेढ़ महीना, दो महीना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। आपको सिर्फ अपनी तरफ से 100% देना, रिजल्ट के बारे में मत सोचना, सिर्फ अपना 100% दो। डेफिनेटली आप अपनी स्टैमरिंग ठीक करोगे, आप ही क्यों, हम साथ साथ सही करेंगे। आप अपना स्टेटस, जैसी भी आपकी स्टैमरिंग है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसी के अनुसार मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बिहेवियर भी आपका कैसा है स्टैमरिंग का, उसको भी। मैं कभी ये नहीं बोलता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वैसे बहुत कम ही जानते हैं कि मैंने स्टैमरिंग एक्सरसाइज सीखी है, और स्पीच थेरेपी भी थोड़ा सीखा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली टू धनबाद ही होगा, 90% उसके ही चांस है, 100% में किसी चीज़ की तरफ नहीं जाता। ठीक है, बाय बाय, गुड लक, प्रैक्टिस डेली करिए 3 times।